आपको डर लग रहा है कि कहीं सरार कामयाब ना हो जाए? और आपका बिजनेस छोड़ के अपनी खुद की पहचान ना बना ले? नहीं, मैं उसके नाकाम होने से डरता हूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी वाइफ मुझसे बिला वजह खौफजदा होती है। जबकि मैं तो एक दिन चली जाऊंगी, और जितनी मेहनत सलार कर रहे हैं एक दिन सारी रुकावटों के बावजूद वो कामयाब हो जाएंगे। किरण, किरण जी अम्मी। अरे वहां क्या कर रही हो? वो सफाई सफाई कर रही थी। परेशान क्यों? हाँ मुझे बताओ। परेशान परेशान तो नहीं हूं मैं। कल वो लोग नहीं आए इसलिए परेशान होना। आ जाएंगे वो लोग, तो मसला हो गया था। अच्छा क्या सोच रही हो मुझे बताओ। ओ अम्मी, सोने की घड़ी कितने की आती होगी? सोने की घड़ी पहनोगी तो डकैती पड़वानी है क्या? नहीं नहीं मैं मर्दाना घड़ी के बारे में पूछ रही हूँ। धाना घड़ी? और धाना घड़ी किसको देनी है भाई? अच्छा लो अब समझी मैं। लो भाई, तुमने सलमान को एक थप्पड़ क्या मारा, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए सोने की घड़ी लेने का सोच रही है। मेरे लिए? हाँ तो और मर्दाना घड़ी है, किसके लिए लेगी? अच्छा वैसे इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? वैसे कितने की आती होगी? होगी कोई 10-15 लाख की। क्यों लेनी है? नहीं नहीं तुम्हारे पीछे डकैत थोड़ी लगवाने। खैर वो रिश्ते वाले आए थे, क्या बोला उन्होंने? अरे भाई होना क्या है, ऐन मौके पर लड़के के बाप ने कह दिया कि लड़का साथ आएगा। और तुम्हारे ताया उन्हें तो तुम जानते हो, एक नंबर के कंफ्यूज, मना कर दिया उन्होंने। फिर अब? फिर क्या, फिर मैंने समझाया भाई नया दौर है, आने दे लड़के को, क्या हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है लड़के को बुलवाने की, आप साफ साफ मना कर दें। लिया मना कर दें, लेकिन ऐसी बहनें होती हैं
जिनके लिए भाई सलमान जैसे पे हाथ क्या छुरी भी उठा सकते हैं। अरे बेटा बेटा प्लेट में रख के लाओ ना मिठाई, ऐसे थोड़ी खा सकते। जी जी अभी ला। जी जी बेटा। मम्मी कहाँ रह गई, कब आएगी? आ जाएगी आराम से। निकाह पढ़वाने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि इनके अगले पिछले गुनाह माफ हो गए और ये बाइज्जत दामाद बन गए। अरे आंटी क्या हो गया आपको, कौन से गुनाहों की बात कर रही हैं आप? अरे वही गुनाह जो हैदराबाद में करते हुए पकड़े गए थे और बाद में मुकर गए थे और पारसा बनने के ढोंग कर रहे थे। नहीं, वो गुनाह हमारे नहीं थे, वो गुनाह आपकी इस निम्मी के थे। इसने अपने नंबर से मेरा नाम सितारे के फोन में सेव करके मुझे मैसेज भेजा था। और अगर यकीन ना आए ना तो आप कासिम से भी पूछ लें, सब जानता है वो, तभी तो वो इससे शादी के लिए राजी हुआ था। अरे पता तो इससे भी है, बताओ ना आपकी अम्मी को। निमी चलो चल के मिठाई खा लो। मुझे कहना चलो और तमीज से रहना। अभी मैंने कहा ना मुझे कहना उन लोगों से मैं नहीं आना। जितनी घिन मुझे तुमसे आ रही है इतनी ही घिन आती है तुम्हें?